उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीएसटी भरने वाले उद्योग में शामिल पान मसाला उद्योग को अब 1 अक्टूबर से फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों की जानकारी देनी पड़ेगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद फैक्ट्रियों में पान मसाला एवं तम्बाकू के अन्य उत्पाद के बारे में राज्य कर विभाग को सारी जानकारी मिल जाएगी और टैक्स चोरी कर पाना मुश्किल होगा। प्रदेश में ऑनलाइन कारोबार के अलावा सबसे ज्यादा टैक्स चोरी के मामले पान मसाला बनाने वाली कंपनियों के आते हैं और कुछ कंपनियां राज्य कर विभाग के अधिकारी के साथ मिलीभगत करके लंबे समय से टैक्स चोरी कर रही है। एक वर्ष में पान मसाला बनाने वाली कंपनियों द्वारा की गई टैक्स चोरी के मामलों की पड़ताल के बाद विभाग ने इन्हें रडार पर लेने के लिए यह फॉर्मूला निकाला है। जुलाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव पेश किया गया था और वहां से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद इस व्यवस्था को लागू किए जाने का खाका राज्य कर विभाग ने तैयार कर लिया है। इस संदर्भ में 21 सितंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक अब विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पाद तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को पैकिंग करने वाली मशीनों की जानकारी देनी होगी। पान मसाला तंबाकू उत्पाद हुक्का तंबाकू, पाई वाला तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, खैनी चूना, सुंगनी के उत्पादन की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। और अब यूपी सरकार यूपी में पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर लगाम लगानी शुरू कर चुकी है।